हिमाचल के इस मंदिर में है अनूठी परंपरा। इस रहस्यमय मंदिर में दंपत्ति जाते तो है एक साथ, पर पति पत्नी साथ में नहीं करते देवी की पूजा। इस मंदिर में एक साथ पूजा करने से दंपत्ति हो जाते हैं अलग। जय माता दी। दोस्तों, भारत में सभी मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जहां कहीं महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है तो कहीं पुरुषों का प्रवेश वर्जित। लेकिन आज हम आपको हिमाचल के प्रसिद्ध ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पति पत्नी एक साथ मां के दर्शन नहीं कर सकते। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्राइन कोटी माता मंदिर की। भारत में जहां दंपत्ति के एक साथ मंदिर में जाकर पूजा करने को बड़ा ही मंगलकारी माना जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हिमाचल के प्रसिद्ध 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्राइन कोटी माता मंदिर में दंपत्ति जाते तो एक साथ हैं, पर एक साथ माता के दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर पति पत्नी के द्वारा एक साथ देवी की पूजा करना वर्जित माना गया है। बता दें कि मंदिर हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंतर्गत रामपुर नामक स्थान पर बना है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में दंपत्ति एक साथ दर्शन व पूजन नहीं कर सकते। यदि कोई भी दंपत्ति द्वारा ऐसा किया जाता है तो उनके साथ कोई ना कोई अनहोनी घट जाती है या फिर वो दंपत्ति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में पति पत्नी को एक साथ माँ दुर्गा की मूर्ति के दर्शन करने और पूजा करने पर रोक लगाई गई है। यहाँ पहुँचने वाले दंपत्ति अलग अलग समय पर प्रतिमा के दर्शन करते हैं। आगे आपको बताते चले कि मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय को ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा था। कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर भ्रमण पर निकले, वहीं गणेश जी माता पिता के चक्कर लगाकर माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड स्थापित किया। इसके बाद कार्तिकेय जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए, तब तक गणेश जी का विवाह हो चुका था। ये देखकर कार्तिकेय ने कभी विवाह न करने का संकल्प लिया। श्राइन कोटी मंदिर में आज भी मुख्य द्वार पर गणेश जी के साथ उनकी पत्नी विराजमान हैं। कार्तिकेय जी के विवाह न करने के प्रण से माता पार्वती बहुत क्रोधित हुईं और उन्होंने कहा कि जो पति पत्नी यहां एक साथ उनके दर्शन करेंगे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस कारण यहां आज भी पति पत्नी एक साथ पूजा नहीं करते। ये मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।